friends. So this time we have numericals based on work and energy. The physics chapter 9th standard. ठीक है, उसके कुछ numericals है जो हम देख लेते हैं. और ये numerical करने से पहले एक बात बता दूं once again कि अगर हम सिर्फ numerical के लिए formulas पढ़ लें तो वो काफी नहीं होता. ठीक है, क्योंकि अभी समझो 9th 10th में हम चला भी ले इस चीज को तो आगे जाके ये डिफिकल्ट बन जाएगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के, ठीक है, कॉन्सेप्ट किए बिना अगर हम सिर्फ फॉर्मूलाज मगअप कर लें तो आगे वो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फॉर्मूलाज, और वो फॉर्मूलाज याद रहें तो उसके बाद हमको प्रैक्टिस की भी जरूरत है. ठीक है ना, तो ही हम ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से और बहुत ईज के साथ कर सकते हैं. बहुत टफ नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. A force of 10 Newton causes a displacement of 2 meter in a body in its own direction, same direction में है. What is the work done? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक फोर्स है जो कि 10 Newton का है, जो एक बॉडी पे अप्लाई किया गया है, और वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सेम डायरेक्शन में, इट इज 2 मीटर. सो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों ऐसा यूनिट में है. व्हाट इज वर्क? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वी हैव. So it is a 10 into 2, that is 20 joule is amount of work done, right? Coming to the next one, second question. How much force is applied on a body when 150 joule of work is done? यहाँ पे force पूछा है, work दिया हुआ है, और साथ ही displacement दिया हुआ है. So using the same formula, we have work is equal to force into displacement, so force is equal to work upon displacement. What is the work done here? 150 newton. What is the displacement? 10 meter. Kitna ho jayega? 15 newton will be the amount of force applied. Coming to the third one, a body of 5 kg is raised to 2 meter. What is the work done? 5 kg ka body hai aur 2 meter pe raise kiya gaya hai. So, यहाँ पे हमको पता है कि पोजीशन चेंज हुआ है और पोजीशन के वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. एंड बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी स्टोर होती है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट. यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो हम वर्क ही निकालेंगे इसमें. सो वर्क इज, इन दिस केस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड दैट इज इक्वल टू mgh. तो क्या होगा? 5 * g इज 10 * h इज 2. So it will be 5 2s are 10 and 10 tens are 100. So what is the potential energy or the work done? It is 100 joule. ठीक है? Next वाला है. The fourth question is, a work of 4900 joule का work हुआ है on load of mass 50 kg. 50 किलो का एक मास है, एक लोड है, उसके ऊपर इतना वर्क हुआ है. ठीक है, टू लिफ्ट इट टू अ सर्टेन हाइट. अब हाइट नहीं दी है यहाँ पे. ओके, कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड. यहाँ पे ये कहा गया है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग इज इक्वल टू 4900 जूल. ठीक है, और मास कितना दिया हुआ है? मास इज 50 केजी. ठीक है, तो हमको यहाँ पे हाइट निकालनी है. सो वंस अगेन द सेम फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एम जी एच. So work is 4900, that is equal to m यानी 50, g यानी 10, और h जो हमको निकालना है, calculate करना है. So h will be equal to 50. ये दोनों terms नीचे आ जाएंगे. So यानी 4900 upon 50 into 10, ये दो zeros cancel ऊपर नीचे से, और कितना हो जाएगा? Height 5. 9 जा 45, 4 बचा है, 5 जा 40, so 9.8 meter is the height. अगर ग्रेविटी हम यहाँ पे 9.8 लेते तो चाहिए 10 आता है अंदर. ओके, हाइट 10 मीटर मिलता है उस केस. नेक्स्ट इज, अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 30 केजी हैज 60 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द स्पीड. सो काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लग जाएगा फिफ्थ वाले में. काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास दिया है, हमको वेलोसिटी निकालनी है.
सो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी यानी 60 जूल एंड हाफ इनटू एम, मास कितना दिया है 30 केजी इनटू वी स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू 15 हो जाएगा ये, और 15 यहां पे आएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 बाय 15. 15 4 जा 60, यानी वी स्क्वायर 4 है तो वी कितना हो गया ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द चेंज दैट शुड बी अफेक्टेड इन अ वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना चेंज करना होगा किसी बॉडी के सो दैट टू मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, इफ मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स. यानी कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे अगर हमको क्वेश्चन मिला है तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ा जाए. कुछ चीजें होती हैं जो हिडन में होती हैं एज अ डेटा, वो हम उसको यूज कर सकते हैं. और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको अगर 2-3 बार पढ़ते हैं तो वो क्लिक होता है कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लॉजिक लगनी है. ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी सेम रहनी चाहिए. सपोज हम इनिशियल कंडीशन में ये बोलते हैं कि द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के वन एंड के वन इज हाफ एम वी वन या हाफ एम वन वी वन स्क्वायर. ठीक है, सपोज इनिशियल कंडीशन के हिसाब से ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, इसको हम इक्वेशन वन बना लेते हैं. हमको यहाँ पे ये बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी को सेम रखने के लिए, और ऐसा है कि उस ऑब्जेक्ट का मास 4 गुना हो गया है. ठीक है, तो वेलोसिटी को किस हिसाब से चेंज करना हो काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो. सो यानी लेट द फॉर द न्यू केस द मास बी, मास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल मास, यानी m2 विल बी इक्वल टू 4m1. तो हमको ये पता लगाना है कि v में क्या चेंजेस होंगे. सपोज वेलोसिटी को मैं v2 लिख देता हूं. ठीक है, सो v2 v1 से कैसे रिलेटेड है वो हमको निकालना है. काइनेटिक एनर्जी यहां भी सेम रहनी चाहिए, यानी यहां भी k1 ही रहनी चाहिए. सो द फार्मूला विल बी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या रहेगा, k1 विल बी इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. राइट, ये फार्मूला होगा. अब यहां पे m2 की वैल्यू कितनी है, 4m1 है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 4m1 v2 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको इक्वेशन मैं फिलहाल कैंसिल नहीं कर रहा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूं और कंपेयर कर लेते हैं 1 और 2 को. दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है अगर तो ये राइट साइड वाले टर्म्स भी सेम है, यानी कि वी कैन से दैट हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 4 टाइम्स m1 v2 स्क्वायर. ये हाफ हाफ कैंसिल हुआ, m1 कैंसिल हुआ, और क्या मिला है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स v2 स्क्वायर. रूट ले लिया तो v1 इज इक्वल टू 2v2, यानी नया काइनेटिक एनर्जी जो है v2 इट विल बी हाफ ऑफ v1, यानी वेलोसिटी जो पहली का जो वेलोसिटी है उसकी कंपैरिजन में बाद का वेलोसिटी कितना रहना होगा उसका हाफ करना होगा, तब जाके ये चीज बैलेंस होगी या सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी.